ये देखिए भुट्टे की ट्रेडिशनल रेसिपीज। इसको या तो मकई के आटे या फिर मकई के दलिये से बनाया जाता है। आज हम इसको सीधे ही भुट्टे से बनाएंगे और यह एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और यह हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है और खाने में टेस्टी लगती है। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल। स्वागत है आपका डेली लाइफ में। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये ज़्यादा पका हुआ भुट्टा, मतलब ये सूखने के कगार पर आ गया, लेकिन अभी ये पूरी तरह सूखा नहीं है। इसमें अगर हम नाखून हल्का सा चुबाएंगे तो इसमें ये दबेगा। हमें इस तरह से भुट्टा लेना है और यहाँ पर मैं इसके दाने निकाल कर इस तरह से अलग कर लूँगी, यह आसानी से निकल जाएंगे। दानों को मैंने अच्छे से निकाल लिया है और इस तरह से नाखून चुभाने पर ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये अभी थोड़ा गीला है। मैंने इसको 8-10 घंटे के लिए हवा में ऐसे ही छोड़ दिया था तो ये थोड़ा सा और ड्राई हो गया। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक मिक्सी का जार और उसमें हमें इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। इसको हमें यहाँ पर फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का इसको दरदरा ही पीसना है। ये देखिए इसको मैंने दरदरा पीस लिया है और ये आसानी से पीस जाता है। इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है और नहीं तो ये चिपकेगा। और फिर देखिए मैं इसको इस तरह से छान लिया ताकि इसमें जो आटा है वह नीचे निकल जाए और ऊपर का पार्ट अलग हो जाए। आप इसको स्पून की मदद से हिलाकर छानिएगा ताकि यह अच्छे से निकल जाए, क्योंकि यह थोड़ा मॉइस्ट है इसलिए इसको निकलने में परेशानी आ रही है। ये देखिए मैंने आटा अलग कर लिया है और जो ऊपर का हिस्सा बचा है उसमें ये छिलके निकलते हैं। इसको हम इस तरह से झटक कर इसके जो छिलके हैं वो निकाल देंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो जितने छिलके इस तरह से निकल जाए उतने निकाल देने हैं, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको पानी में भिगोएंगे बनाने के वक्त ये छिलके सब तैर कर ऊपर आ जाएंगे और तब हम इसको छन्नी की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं इसको मोटी वाली छलनी से स्ट्रेन कर लूँगी। यह जो नॉर्मल हम घर में दलिया या फिर चावल को छानते हैं यह वही छलनी है। इससे मैंने दलिये को नीचे निकाल लिया, जो फाइन दलिया है वो नीचे रह जाएगा और थोड़ा मोटा है वो ऊपर आ जाएगा। उसको हम अगेन फिर से ग्राइंड कर लेंगे और फिर से इसका दलिया निकाल लेंगे। इस तरह हमें एक दो बार रिपीट करना है। ये देखिए हमारा दलिया बनकर रेडी हो गया है और जो हमने आटा निकाल कर अलग किया था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये हमारी राब बनाने के लिए मिक्सर एकदम रेडी है। यहाँ पर मैंने एक बाउल भर के यह हमारा मिक्सर ले लिया है। अब मैं इसको एक तपेली के अंदर या सॉस पैन, आपके पास कढ़ाई जो भी हो उसमें डाल दीजिए, और इसमें मैं आधा बाउल दही ले लूँगी, उसी से मैंने इसको मेज़र किया है, और हाफ टी स्पून में यहाँ पर नमक ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें उसी बाउल से एक बाउल पानी ऐड किया है। इसको हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और इस तरह से हिलाते जाना है ताकि हमारा जो ये घोल प्रिपेयर हो या लंग्स फ्री हो। इसके बाद मैंने इसमें सारा पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए हमारा बिना लंग्स वाला घोल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं उसी बाउल से एक बाउल भरकर और पानी इसमें ऐड कर दूँगी। हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से पतला सा घोल रेडी हो गया है। अब मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया। पहले 5 मिनट हम थोड़ा मीडियम से हाई फ्लेम रखेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तब हमें गैस को एकदम लो कर देना है। ये देखिए मेरी गैस एकदम सिम पे चल रही है। अब हम इसको स्टेयर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए इसको चलाते रहना है, दो तीन मिनट के अंतराल में, ताकि ये चिपके नहीं अंदर, नहीं तो इसमें लंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर हम इसको आधा ढकेंगे ताकि ये ओवन के ऊपर ना आए। फिर अगर थोड़ा सा ये जब गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसमें लंग्स नहीं आएंगे, फिर आप इसको 5-5 मिनट के अंतराल में चला दीजिए और कुछ इस तरह से ढक दीजिए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से उबल कर गाढ़ा हो गया है। आप इसको यहाँ केयरफुली स्टेयर कीजिए क्योंकि इस टाइम पे इसके छींटे उड़ते हैं। कुछ इस तरह देखिए ये बबल बन रहे हैं और ये छींटे उड़ते हैं। और फिर मैंने इसको ढक दिया है। अब देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये पका के नहीं। इसको पकने में करीब
20 से 25 मिनट आराम से लगेंगे और आपको फ्लेम को लो ही रखना है ताकि ये अच्छे से पककर रेडी हो जाए। ये देखिए इसमें जो दाने हैं हम उसको इस तरह से उंगली में लेंगे और दबाएंगे। ये देखिए अच्छे से मेश हो रहा है, इसका मतलब ये डन हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसमें दूध ऐड कर लीजिए, चीनी ऐड कर लीजिए, आपको जैसे पसंद हो आप इसको ऐसे खा सकते हैं या आप इसको सीधे ही पी सकते हैं। मैं इसको ठंडा खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैंने इसको रात को बनाया है, तो मैं इसको छोड़ दूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसको खाऊँगी। मैंने इसको ढक दिया है और ओवरनाइट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। सुबह देखिए ये कुछ इस तरह से जमकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा जितना भी आपको खाना हो उतना इसको इस तरह से तोड़ लीजिए, या आपको गर्म खाना था फिर से इसको गर्म कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है क्योंकि ये मुझे ठंडा खाना अच्छा लगता है। अब इसमें मैं गर्म किया हुआ स्वीट मिल्क ऐड करूंगी। आप चाहे तो आप बिना शक्कर डाले भी इसमें दूध ऐड करके खा सकते हैं। आप इसको आलू की सब्जी या दाल के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और यमी लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस रेसिपीज़ को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको एकदम खाने में मज़ा आ जाएगा। ट्रेडिशनल रेसिपी से दोस्तों और काफ़ी अच्छी लगती है, नानी दादी के ज़माने की रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।